और अब बात बड़ी खबर की करेंगे। जनसंख्या दिवस पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनसंख्या असंतुलन से अराजकता आती है, जनसंख्या में संतुलन की स्थिति जरूरी है। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। आपको बता दें जनसंख्या दिवस के मौके पर कई बातें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन से अराजकता आती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जनसंख्या संतुलित होनी चाहिए, जनसंख्या में संतुलन और स्थिरता जरूरी है। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। और यह एक चिंता का विषय हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। वही जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। भाजपा जहां इस कानून को जरूरी बता रही है तो विपक्ष इसे राजनीति बताने में जुटा हुआ है। देखिए जनसंख्या एक बड़ा मसला है और जनसंख्या को लेकर के पार्टी का भी यह स्पष्ट तौर पर मानना है कि जनसंख्या का नियंत्रण किया जाना चाहिए और जनसंख्या का जो अनुपात है वो जनसंख्या का अनुपात को भी ठीक किया जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये एक व्यापक जनविमर्श से जुड़ा हुआ मसला है, इस पर व्यापक जनविमर्श करने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल कठोर कानूनों से ही इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एजुकेट करना, लर्न करना, लोगों को इस समस्या के बारे में समझाना, मुझे लगता है कि व्यापक जनविमर्श के बनाने का विषय है। पार्टी इसको लेकर के सहमत है, सरकार भी इसको लेकर के जल्द ही किसी एक कठोर कदम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। 140 करोड़ की जनसंख्या परेशानी के बात जरूर है, लेकिन हमको इस बात को समझना चाहिए कि इस देश में जनसंख्या कानून लाने के लिए इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि समाज के सभी लोगों से मिलकर बात की जाए, इस पर एक प्रोस्पेक्टिव वे लेके आए, एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाई जाए। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस बारे में बात कर रही है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि पिछले 8 सालों से केंद्र में और पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में ये सरकार आ रही है और आज तक सिर्फ बातें करने के अलावा और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के अलावा कुछ नहीं कर पाई है। मुझे उम्मीद है कि अगर सरकारें इस तरीके के काम करेंगी तो कहीं ना कहीं जनसंख्या कानून पे बात की कहीं ना कहीं सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा रह जाएगा, असलियत ये कुछ नहीं कर पाएंगे और हमको इस तरह की उम्मीद भी नहीं। वही जालौन दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, उससे पहले आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जिस वक्त पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जालौन के दौरे पर हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया है, अधिकारियों के साथ बैठक की है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए जब आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे उस दौरान की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। और 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, वो आएंगे और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तैयारियों को देखने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वहां पर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, बैठक की गई है। तो आपको बता दें जालौन के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण उन्होंने किया है, साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक की है, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, उससे पहले योगी आदित्यनाथ तैयारियों को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब एक एक चीज को समझते हुए योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में कुछ लोग हैं जो पूरे इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से काम किया गया है, निरीक्षण किया, खुद मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर आना है, उससे पहले खुद योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं, अधिकारियों को जहां उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए और महत्वपूर्ण बैठक की। दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे के साथ इसे जोड़ करके बुंदेलखंड की यात्रा को और भी आसान बनाने का कार्य होगा। उद्घाटन कार्यक्रम बहुत भव्य हो, दिव्य हो, इस देश से आज मैंने एक्सप्रेस वे का भी निरीक्षण किया है और यहाँ पर प्रशासन के साथ
माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी मैंने बैठक की है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और पूरी भव्यता के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो यहाँ का एक सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए हर बुंदेलखंडवासी आज उतावला है, तत्पर है। 16 जुलाई को तिथि तय की गई है। 16 जुलाई को बुंदेलखंड को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बुंदेलखंड के माध्यम से पूरे देश को एक नया उपहार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूप में दिया जाएगा। वहीं सीएम योगी ने आज गन्ना किसानों को सौगात दी। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने प्रदेश के 40 जिलों में 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र बांटे। 50 लाख से ज्यादा किसानों को ये सर्टिफिकेट दिए गए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसान हमेशा से हमारे लिए सबसे ऊपर रहे हैं और किसानों के लिए लगातार सरकार काम करती रहेगी। चीनी मिल कोई व्यक्ति चला रहा है और चीनी मिल बनाने के बाद वह चीनी मिल का पैसा अपने किसी अन्य उद्योग में लगाया है और आज वह चीनी मिल कमजोर होने के कारण गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा, तो हम उसके दूसरे उद्योग का पैसा भी इधर डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बकायदा कानून भी राज्य में बना दिया है। वहीं यूपी में पशुपालन विभाग में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। पशुओं के लिए दवा, सिरिंज और मेडिकल उपकरण की खरीद में ये घोटाला हुआ। शुरुआती जांच में 50 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ। पशुपालन विभाग में 50 करोड़ के दवा घोटाले को लेकर एबीपी गंगा ने पशुपालन निदेशालय के निदेशक, रोग नियंत्रण और प्रक्षेत्र डॉक्टर जीवन दत्त से बातचीत की। डॉक्टर जीवन दत्त ने भी घटिया दवाओं की आपूर्ति की बात को माना है। उन्होंने कहा कि दवाएं उनके कार्यभार संभालने से पहले खरीदी गई थी। डॉक्टर जीवन दत्त के मुताबिक अभी तक 3 तरह की दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जो दवाइयां तय मानक के मुताबिक नहीं है, उनकी कीमत की दवा सप्लाई करने वाली कंपनी से वसूली की जाएगी और उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। हालांकि दवा सप्लाई करने वाली फर्म ने कोलकाता स्थित सेंट्रल लैब में चुनौती दी है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। दवाओं और उपकरण की खरीद के नाम पर 50 करोड़ से ज्यादा का बड़ा घोटाला सामने आया है। हमारे साथ में इस समय पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर जीवन दत्त जी हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे पूरे मामले को लेकर कि आगे क्या मामला है, क्या कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर साहब, क्या मामला है, इतना बड़ा घोटाला 50 करोड़ से ऊपर का? इसको घोटाला शासन स्तर पर इसका जाँच की गई थी, उसमें कुछ चीज़ों में कमी पाई गई है, तो शासन ने इस स्तर पर एक जाँच समिति को गठित कर दिया है और जो दवाएं अधोमानक पाई गई हैं उनके खिलाफ़ जो नियमानुसार हमारी क्रय नियमावली, उसके अनुसार क्रय कार्रवाई की जा रही है और उनको उनसे यदि अधोमानक दवाई हैं तो उनकी वसूली, जो पैसा हमने पेमेंट किया उसकी वसूली की जाने का नियम है, तो वसूली की जाएगी। सर, लगभग कितनी दवाएं हैं जो इस तरह से अधोमानक पाई गई, मानक पे खरी, उसकी अभी कॉस्ट निकलवाई जा रही है और निकले आई कॉस्ट उतना उनका पैसा वसूली की जाएगी। यदि वसूली भी नहीं होती है तो उनको फिर वसूली के अलावा उनको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा। कितने प्रकार की दवाएं हैं, क्या उनके अभी प्रकार पता चले? 3 तरह की दवाई मेरे संज्ञान में आई हैं, जो डोरामेक्टिन है, हेलिक्नोल है और एल्बेंडाजोल फेंडोंडाजोल प्लस का, ये दवाइयाँ सब स्टैंडर्ड मानक में मिली हैं। अभी इन्होंने लेकिन सेंट्रल लैब में इन्होंने चुनौती दी है, कोलकाता में, वहाँ से कभी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यानी जो प्रथम दृष्टि आपके पास रिपोर्ट है उसमें दवाइयाँ जो है वो मानक के अनुसार नहीं मिली? हाँ नहीं, उसमें इतना ही थोड़ी सी कमी है। कभी कोई ये ड्रग इंस्पेक्टर हमारे यहाँ रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें कभी कभी लेबलिंग के ऊपर भी ये अधोमानक कह देते हैं, तो लेकिन जो भी कमी पाई गई है उसको हमने रेक्टिफाइड करके उनको नोटिस दे दिया गया, सभी दवा उनको विक्रेताओं को, और आगे कार्रवाई करते हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी। वहीं घोटाले पर पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान भी सामने आया है। पशुपालन विभाग में घोटाले की जानकारी मिली है, धर्मपाल सिंह ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा 2021 का मामला है, तब मेरे पास ये मंत्रालय नहीं था। अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे को कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी, ये पशुपालन मंत्री की ओर से कहा गया है। उस बड़े घोटाले पर पशुपालन मंत्री का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा घोटाले की जानकारी मुझे मिली है, ये 2021 का मामला है, तब मेरे पास ये विभाग नहीं था, लेकिन अब जांच के आदेश दिए गए हैं, कमेटी तैयार की जाएगी और कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग में 50 करोड़ के घोटाले का मामला सामने में आया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह जी। सर, आपके विभाग में 50 करोड़ रुपए की दवा की और दवा के उपकरणों की, पशुओं की हेर फेरी देखने को मिली, घोटाला हुआ है। देखिए, आज हमने अखबार में पढ़ा है और इस अखबार का संज्ञान लेते हुए, क्योंकि ये मामला 2021 का अखबार ने बताया कि 2021 में है,
सरकार हमारी ही थी, विभाग हम पे जरूर नहीं था, लेकिन इसको अखबार को पढ़कर हमने अपने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे को इसको कह दिया है और इसका व्हाट्सअप भी कर दिया है और कह दिया है कड़ाई से कि इसकी तत्काल जांच कमेटी नियुक्त करें और जीरो टॉलरेंस का भ्रष्टाचार पर है योगी सरकार का, कोई भी इसमें अपराधी या भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। सर आप किसे दोषी मानते हैं? पूरी रिपोर्ट आपने देखी होगी, आपने रजनीश दुबे जी से बात भी की है, तो क्या प्राथमिक स्तर पे किसके ऊपर दोष निकल कर सामने आ रहा है आप लोग की नज़र में? देखिए अभी हमने कोई रिपोर्ट दोष की देखी नहीं, अखबार का संज्ञान लिया है, अब जब हम जांच कमेटी बनाएंगे कह दिया है और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 3 दिन में ही ये निर्णय आ जाएगा, उसमें जो दोषी होंगे किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। बीजेपी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है, ये घोटाला निकलकर सामने आया, अखिलेश यादव ने भी इस पर तंज किया है। देखिए हम स्वयं इसको गंभीरता से ले रहे हैं और तत्काल जांच कमेटी बनाने का निर्णय ले दिया है और रिजल्ट आने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक आखिरी सवाल है, किस तरीके की कार्यवाही आप करेंगे जिससे कि नज़ीर बने और इस तरीके से आगे भ्रष्टाचार ना हो? हमने कहा नहीं कि उसका जाँच का परिणाम आने दीजिए, जाँच आने पर इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, जिनका कहना है कि जांच के लिए इन्होंने कमेटी गठित करने के लिए आदेश दे दिया है और 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दर्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा में फूट पड़ चुकी है। ओपी राजभर के प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने अलग पार्टी बना ली है, उन्होंने राष्ट्रीय समता पार्टी नाम से पार्टी बनाने का ऐलान किया है। शशि प्रताप ने ओपी राजभर पर मोटा माल खाने का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि जो मोटी रकम देगा राजभर उसे ही टिकट देंगे। राजभर परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं और उनकी पार्टी के पूर्व विधायक और प्रत्याशियों के साथ कई महत्वपूर्ण लोग उनके टच में हैं। प्रदेश में पार्टी से पार्टी जोड़कर सत्ता का उलट फेर करने का दावा करती सुभासपा में कहीं ना कहीं एक फूट दिखाई दे रही है, और फूट ही नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर, सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ साय की तरह चलने वाले शशि प्रताप सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो शशि जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ ये समर्थकों की टीम, आप देखिए ये वो समर्थक हैं जो शशि के साथ मौजूद हैं। तो शशि जी एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सुभासपा से तो आप जुड़े रहे, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पूरे पूर्वांचल में कहा जाता था कि शशि प्रताप सिंह साई की तरह चलते हैं, रणनीति भी तय करते हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि अलग पार्टी बनानी पड़ रही? देखिए ओम प्रकाश राजभर जी 2022 विधानसभा चुनाव के पहले से ही वो धृतराष्ट्र के रूप में आ गए थे। उन्होंने जब कहा कि मैं राम को नहीं मानता हूँ और राम हमारे इष्ट देव हैं, राम की धरती है, उन्होंने कहा कि सावन के महीने में जो कांवरिया बाबा को जल ढारते हैं वो सारे गंजेरी हैं, उन्होंने कहा कि कुंभ के मेला में जितने साधु महात्मा संत सन्यासी हैं जिसके नाम से भारत जाना जाता है उनको कहा गंजेरी है, उनके यहाँ 2-2 चाचा किलो गांजा मिल जाएगा। आप लोगों के सामने ही आप लोगों के चैनलों पर उन्होंने कहा, जिसके यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। अब बताइए उसके बाद ज्ञान बापी का एक मामला आया, ज्ञान बापी के मामला में हिंदू और मुसलमान दोनों हमारे भाई हैं, जब दोनों भाई मिलकर आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग इस मामला को सुलझा लिया जाए, और मैं सनातन धर्म के होने के नाते अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो वहां उनका ये कहना है कि आप मत कीजिए बात। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हम लोगों की देन है कि हम लोगों ने कराया, उसके बाद 17 में यह कहा गया कि बनारस जिले से किसी न किसी को आने वाले 2022 के चुनाव में विधायक बनाया जाएगा, मुझे नहीं किसी न किसी को बनाया जाएगा, बनारस में बहुत नेता हैं आप जानते हैं। 2022 का चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि बनारस जिले में हमारे भारतीय समाज पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उसमें से किसी एक को हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, और 11th आवर में ले आके अपने बेटे दुर्योधन को शिवपुर विधानसभा से उतार दिए। शशि प्रताप सिंह इन्होंने पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय समता पार्टी RSP के नाम से जाना जा रहा है इस पार्टी को, और ये इसके ऐलान के साथ ही परिवारवाद से मुक्ति का ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ ही गंभीर आरोप सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर इस पर क्या कुछ बोलते हैं, क्या उनका कोई बयान आता है, क्योंकि वो बयानबाज नेता कहे जाते हैं।
कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा वाराणसी। कानपुर में एम्बुलेंस सेवा धूल फांक रही है। छोटी छोटी खामियों की वजह से काशीराम अस्पताल में ये एम्बुलेंस खड़ी की गई थी, लेकिन अब ये सभी कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। 108 और 102 सेवा की ये सभी एम्बुलेंस अब किसी काम की नहीं रही। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा जरूर कर रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा धूल फांक रही है और गरीब जनता एम्बुलेंस की कमी के कारण जान गंवा रही है? एम्बुलेंस खराब खड़ी हुई है और इसका ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। इन सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो आप कानपुर के काशीराम चिकित्सालय आइए। सरकारी चिकित्सालय की ये तस्वीर बहुत ही खराब कही जा सकती है और स्थितियों को उजागर करने वाली कही जा सकती है। हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जब मरीज पहुंचते हैं तो उनको एम्बुलेंसेस नहीं मिलती, या जो पहुंचने के लिए उनको कॉल करते हैं उनको एम्बुलेंसेस की कमी बताई जाती है। कई बार वक्त पर ना पहुंचने के चलते लोग अपनी जान तक गवा देते हैं, लेकिन काशीराम चिकित्सालय जहां पर शहर के सीएमओ साहब बैठते हैं वहां एम्बुलेंसेस का ये हाल है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सेवाओं के अंतर्गत आने वाली ये एम्बुलेंसेस नेशनल एम्बुलेंस सर्विस NSA तमाम छोटी छोटी खामियों के चलते यहाँ पर खड़ी कर दी गई और उसके बाद वक्त बीतता गया और ये कंडम हो गई। कबाड़ में तब्दील ये एम्बुलेंस व्यवस्था की तस्वीर को दिखाती हैं कि व्यवस्था किस तरह से चल रही है। स्वास्थ्य विभाग हो, सरकार हो, तमाम अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन उन दावों के बीच हकीकत दिखाती, दर्शाती, जमीनी हकीकत को बताती ये तस्वीर देख लीजिए। कटीले तार एम्बुलेंस के ऊपर पड़े हुए हैं, ये बताती है धूल फांक रही हैं ये एम्बुलेंसेस। छोटी छोटी कमियों के चलते किसी का टायर बस्ट हो गया, किसी में इंजन में कोई खराबी आ गई और इन खराबियों के चलते इनको यहाँ पर खड़ा किया गया और अब ये धूल फांक रही है। एम्बुलेंस के अंदर का नज़ारा देखिए, पर्दे नज़र आ रहे हैं, पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन ये पीछे से विंडशील्ड, ये पीछे से शीशा गायब है, स्ट्रेचर पड़े हुए हैं। कई बार तो अस्पतालों में स्ट्रेचर तक लोगों को नहीं मिलते और ठेले में मरीजों को ले जा करके वहाँ पर ले जाया जाता है। व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करने वाले वो लोग कहाँ हैं जिन्हें आंखें खोल करके इन एम्बुलेंसेस को देखना चाहिए? वो मरीज दर्द से कराते रहते हैं, एम्बुलेंस के लिए पुकारते रहते हैं, लेकिन उनको एम्बुलेंसेस वक्त पर नहीं मिलती, जान गंवानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए छापेमारी कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अगर उनको ये तस्वीर दिख रही हो तो उनसे भी उम्मीद की जा सकती है या उनसे ये अपील की जा सकती है कि कानपुर का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ दिखता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी को ईडी का एक और समन। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, ईडी ने 21 जुलाई को पूछताछ के लिए एक बार फिर बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ होनी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। सोनिया गांधी को ईडी की ओर से एक और समन भेजा गया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। पहले भी एक बार पूछताछ हो चुकी है, ईडी ने 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार पूछताछ अभी तक हुई भी है, एक बार फिर पूछताछ हो सकती है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सोनिया गांधी अभी तक ईडी के समक्ष पेश नहीं हुई है। सोनिया गांधी को छुट्टी अगर बात करें तो 22 जून को पेश होना था, लेकिन उनके स्वास्थ्य नहीं ठीक था और यही कारण था उन्होंने ईडी से बाद में दरख्वास्त की थी पेश होने के लिए। ईडी ने उनके दरख्वास्त को माना था और 21 जुलाई को उनको पेश होने के लिए बुलाया है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी पहले ही पेश हो चुके हैं। राहुल गांधी से लंबी पूछताछ ईडी की चली है और अब सोनिया गांधी से भी पूछताछ होगी। 21 जुलाई का वक्त दिया गया है जब सोनिया गांधी ईडी के समक्ष पेश होंगी और तमाम सारे उनके दस्तावेज से जुड़े संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। राहुल गांधी ने भी जो जवाब दिए हैं उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ईडी के समक्ष पहली बार नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी 21 जुलाई को पेश होंगी। बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ लगातार ईडी की ओर से की जा रही है। हालांकि सोनिया गांधी अभी तक पेश नहीं हुई है, लेकिन अब 21 जुलाई को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। राहुल गांधी एक बार पेश हो चुके हैं जिनसे लंबी पूछताछ उस दौरान हुई थी। और चलिए नहीं, तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।